वन्दे वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकामलं श्रीगुरुन् वैष्णवास श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं ता सजीं साद्वैतं सावदूतं परिजनसहितम् श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन शहगन ललिता श्री विशखान वितश्चां गोड राम शमरम यै परम्परा पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नवा विभक्तशक्तिकम् बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदबाशः कनककोपिशं वैजयन्ते च माला रन्ध्रानवेन रधरसुधया पोरयङ्गोपवृन्दृन्दारण्यं शपदरवणम् विशदीतकर्तिम्भागवत नौमे यश कश्य प्रसाद अज्ञानी जाना वृषारूढ़ सोमी शु सदाशिव हरिनाषंवत्म नौमे गोपीश्वर हर हे राधिवृषभानुभूपतनये हे वूर्णचन्द्राननि हे कान्तिकमनीयकोकिल का रवे वृन्दावनादेश्वरि हेमादप्राणपरयणे च रसिके हे, हे सर्वयोतेश्वरि मत्स्वान्तजवराशनि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जननी जनको वन्दे धरो। संतान वत्सलो पूजौ सन्तानौ कुशलारथिनौ श्रीरूपं शाग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं वट्टयोगं च सह सुखदायकम् एषां सहज स्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः स्वर्गविघ्नविनाशाय शिरषादारयमिहं वृन्द्याय तुलसी दिव्ये प्रियायै के कृष्ण भक्ति नमो कृष्णभक्ति प्रदेदेवी सत्यम वाशकल्पतरुभ्यंधुव्य पति पावनभ्यो नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे श्रीयुगल सरकार की जय श्रीमन महाप्रभु जय 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 श्री श्री अखंड रसवलिका परम करूनामी श्री विष्भानुराजनंदिनी श्री ईश्वरी जी की कृपा से नृत्य सत्संग में श्री रूप गोसाई पाद के द्वारा विरचित श्री माला का हम आस्वादन कर रहे हैं और इस माला में श्री गोविंद विरदावली जो श्री रूप गोसाई पाद के द्वारा विरचित है उसका हम आस्वादन कर रहे थे श्री पूज्यपाद रूप गोसाई पाद ने अनेक स्तुति लिखा और उसमें श्री गोविंद विरदावली एक भगवान की दिव्य स्तुति है जिसका हम आस्वादन कर रहे थे भगवान के जो दिव्य गुण है भगवान के जो लीला है भगवान के जो वैभव है ऐश्वर्य है माधुर्य है उनका वर्णना शब्द आडंबर के द्वारा श्री गोसाईपाद कर रहे थे श्री भगवान के स्तुति करते हुए श्री गोस्वाईपाद लिख रहे हैं तमोपेन्द्र कलिंद नंदिनी तट वृंदावन गंध सिंदुरा जय सुंदर कांति कंदल स्फुट दिंदी वर वृंद भी भगवान के जो दिव्य स्वरूप है वो स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कह रहे अथो इंदिवर कलिकारंभ श्लोक अब जो इंदिवर कलिका है उसका प्रारंभ कर रहे उसको लिख रहे हैं त्वामिति त्वामितु के द्वारा और कलिका के प्रारंभ में दो श्लोक लिखा जाता है, एक श्लोक लिखा जाता है जो श्री पाद प्रत्येक जो कलिका है उस कलिका के प्रारंभ में दो श्लोक लिख रहे हैं तो कह रहे कालिंदी तट वृंदावन हे भगवान उपेंद्र भगवान आप उपेंद्र हैं यानी उपेंद्र का तात्पर्य हुआ जो इंद्र के भाई है वो उपेंद्र है तो भगवान बामन रूप पे हुए थे इसीलिए उनका एक नाम पड़ा उपेंद्र तो श्री भगवान है उपेंद्र कालिंदी कलिंद नंदिन्या तटे यत वृंदावनम कलिंद नंदिन्य अर्थात जो भगवान सूर्य हैं उनके बेटी श्री यमुना जी तो यमुना जी की तट में यो वृंदावन है उस वृंदावन में तस्मिन गंध सिंदूर मत श्री भगवान आप उस वृंदावन में लीला कर रहे कैसे विलास कर रहे हैं तो करे मत्त हस्तिन जैसे उनमत्तहस्ती जंगल में बिना डरे हुए स्वतंत्र होकर के विचारण करते हैं ठीक उसी प्रकार भगवान आप इस वृंदावन में जो है भ्रमण कर रहे हैं विलास कर रहे हैं तो भगवान स्वतंत्र है सर्वसमर्थवान है हे उपेंद्र तम तो सुंदर कांति कंदले मनोगो छवि वृंदे जय श्री भगवान आपके जो यहाँ सुंदर कांति आपके श्री अंग की कांति जो है बहुत ही दिव्य है बहुत ही सुंदर है मनग्ञर छवि वृंदेर जय और ऐसे आपके दिव्य छवि है जो मोनज्ञ है मन को आनंदित कर दे ऐसे अद्भुत दिव्य छवि युक्त श्री भगवान कृष्णचंद्र आपका जय हो तो भगवान के जो अंग का कांति है वो कैसे है तो कह रहा है विकसित नील पद्म समूह जैसे नील कमल है नील कमल और वो खिला हुआ हो और उस नील खिले हुए नील कमल में जिस प्रकार के रंग होता है जिस प्रकार के उसका वर्ण होता है वैसे नील कांति युक्त तो श्री भगवान के श्री अंग है ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र आपकी जय हो अब कलिका के प्रारंभ जो श्लोक के बाद में श्री भगवान की स्तुति का गायन करते हुए कह रहे जय जयो हन्तो द्विषादविहन्तर् मधुरिमसन्तर् पितयागदन्तर् मृदु लो वसन्त प्रियस्वितदन्त स्फुरितदृगन्त प्रसारदुदन्त प्रभावदनन्त प्रियसखसन्त त्वैरतिमन्त स्वमुदोहरन्त प्रभुवरनन्दात्मजगुणकन्दा शितनवकन्दा कृतिधरकुन्दा मलरदतुन्दात् तभुवनवृन्दा वनभोगन्धास्पदमकरन्दान् वितनवमकुसुमवृन्दा चितकचवन्दारुनिखिल वृन्दा रकवरवन्दी डितविधुसिन्धो पितलसन्दि वरपरिनन्दी क्षणयुगनन्दीश्वरपतिनन्दी हितजयधीर हित जय धेर भगवान की जो शोभा है गुण है उसके गायन करके श्री गोस्वामीपात कह रहे हैं भगवान जय जय हंत अब इंदिवर जो कलिका है उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा श्री बलिद विद्याषण ने किया है कि चंड वृत्त भेदे जो चंड वृत्त भेद उस चंड भेद में जो क्षय प्रकार के भेद होते हैं उसमें विशिख जो भेद है उस विशिख में इन्दिवराख्य जो प्रभेद है उसका वर्णना श्री चंड वृत्त भेदे विशिख इंदिवराख्य प्रभेदे वर्ण इत्यथ त तो लक्षण यथा और उसका लक्षण क्या है वो निम्न में कह रहे तावर तो गो मधुरूपितमिंदिवरम तो विदुरिति त्वावर्ग का प्रयोग के द्वारा जो शब्द से बना हुआ है यानी जो भी लिखी जाएगी उसमें वो त्वा अक्षर होगा पंचम वर्ण में तो मधुर जो वर्ण है त्वावर्ग त था दाधा ना। पांच जो अक्षर है उसको तवर्ग कहते ता था दाधा ना। तो पांच अक्षर का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना पड़ेगा शब्द में तो ऐसे जो शब्द का प्रयोग करके अगर उसको लिखा जाता है तो उसको इंदिवर कहा जाएगा यत्रो पंचमार जहां पंचम से पंचम वर्ग से ले लेकर के त्वावर्ग भव यानी वो त्वावर्ग ही हो जाता है मधुर वर्ण स्वादितर मधुर वर्ण का प्रयोग होता है जो शब्द लिखा जाएगा वो बड़ा मधुर होगा जैसे जय जय हंतो दुषद विहंतो तो हंत हंत तो, हस्त हंतो हंत तो, इस प्रकार से जो तौत तौ का प्रयोग है नौ का प्रयोग है तो वो वर्ण अक्षर क्या है तो वर्ग का प्रयोग है तो हर जो पचवा जो वर्ण है उसमें तोराम का प्रयोग यानी वर्ग का प्रयोग होता है तो उसमें शब्दों ढूंढ ढूंढ करके लिखना पड़ता है कि ऐसे कौन से में वर्ण का मैं प्रयोग करूँ जिसमें नौ और तव जुड़ा हुआ है यानी वर्ग के द्वारा बने हुए हैं जय जय आदरे वा विपसा इप्सा जय जय का जो प्रयोग किया है वो स्वयंपाद वो आदर में इप्सार्थ में प्रयोग किया हुआ हंत प्रहर्ष और हंत किस लिए कहा प्रकृष्ट हर्ष के प्रहर्ष के लिए कहा तो कहा कि हे दिशा अभिहत तो भगवान आपकी जय हो जय जय हंत दिशद अभिहत आनंदित होकर के आदर में कहा कि जय जय हंत यानी नाश करने वाला जो सब कुछ नाश कर देते भगवान विषय का नाश भी करते हैं और असुरों का भी नाश करते हैं तो सर्व जो सब कुछ नाश करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो श्री भगवान में ही है सर्वनाश करने वाला श्री भगवान ही है तो ऐसे जो श्री भगवान है हे दुषद अभिहंत अर्थात दुष्ट का तात्पर्य होता है कि शत्रु जो भगवान के शत्रु हैं जो असुर है ऐसे जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं वो जितने भी अधार्मिक हैं, वो श्री भगवान के शत्रु हैं, क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवान धर्म ही साक्षात भगवान है तो जो धर्म के विरुद्ध चलते हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य करते धर्म विरुद्ध आचरण करते ये सब ही जो है श्री भगवान के शत्रु है और ऐसे शत्रुओं का भगवान बार बार विनाश करते हैं हे मधुरी तो रहे कि जो श्री भगवान आपके जो श्री अंग की माधुरी है मधुरी पितु जगत अंत भगवान के जो श्री अंग है कह रहे भगवान आपके जो श्री अंग की माधुरी है उस माधुरी को द्वारा अपने त्रिभवन को जो है परितर्पित किया हुआ है यानी पूरे जगत को त्रिभुवन की जो संताप है वो आपके माधुरी के अंगे माधुरी की द्वारा ही संतप्त हो रहा है यानी श्री भगवान के दर्शन कोई कर लेते हैं श्री भगवान के साथ कोई जुड़ जाता है श्री भगवान का दर्शन कोई कर लेते हैं तो उस दर्शन से ही उसके जो त्रिताप दुख है वो सब कुछ तक्षणात नाश हो जाता है इसी प्रकार से फिर भगवान बार बार दर्शन दे करके भक्तों का जो त्रताप दुख है ज्वाला है उसका उपशम कर रहे हैं ऐसे जो श्री भगवान ने आपके जय हो। हे अंतर मृदुल कुमल चित्त तो श्री भगवान के अंतकरण चित्त कैसे है भगवान के चित्त कैसे है तो कह रहे हैं कि हे भगवान आपके हृदय तो कमोल है चित्त है भगवान के चित्त बहुत ही कमल है इसीलिए कोई भी भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य उसको कृपा कर देते हैं क्योंकि वे कृपा के सागर हैं पापी तापी सबको उद्धार कर लेते हैं भगवान का किसी से व्यार नहीं कभी भी कोई शरण में आ जाए जिसने जिंदगी में बड़ा ही वृद्ध कार्य किया धर्म वृद्ध पद पे चले पर अंतिम समय में भगवान के शरण में आ जाए तो श्री भगवान उसको शरण दे देते हैं तो ऐसे श्री भगवान है कि कोमल चित्त है भगवान के बड़े ही हे वसंत प्रिय जो बसंत प्रिय है अर्थात बसंत जो ऋतु है वो बसंत ऋतु जिनको बहुत ही प्रिय लगता है वशंत काल बसंत ऋतु हे सीत दंत, अधशन, अधशन तो शीत दंत मुक्ता अदर्शन अदर्शन का तात्पर्य होता है तो का तात्पर्य कि जैसे मोती है जैसे मोती सफेद होता है चमकीला होता है श्री भगवान आपके जो दंत हैं वो दंत भी ऐसे मोती की जो शोभा है उस स्वभाव को भी परास्त करें ऐसे इतनी भगवान के दंत शुभ्र है इतना चमक रहे हैं कि मोती की जो शोभा है जितनी सफेद होते हैं मोती उससे भी अधिक श्री भगवान के दंत में दंत जो शोभित है इतने सुंदर है भगवान के श्री दंत हे स्फुरी तो तो चपुर कटाक्ष और भगवान के जो कटाक्ष है यानी जो नेत्र चालना भगवान करते हैं से देखते हैं तो कह रहे ऐसे जब आप देखते हैं भगवान तो आपके जो देखने का जो तरीका है आप चपल है यानी ऐसे ही देख लिया कटाक्ष बहुत चलते ऐसे आपके कटाक्ष है भगवान अति चंचल भगवान के कटाक्ष है प्रसरण तो प्रसर मरा उदंतहा कथा और श्री भगवान की जो के जो बाक्य वाणी है श्री भगवान के जो वाणी है वो कैसे है बोले प्रसरंतर प्रसुर उदंत कथा ये यानी भगवान की कथा ऐसा है कि वो जगत में परिव्याप्त हो रहे हैं और परिव्याप्त होकर के सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं जो ताप है त्रिताप है उसका नाश कर रहे हैं उसको उपशम कर रहे हैं तो भगवान की एकमात्र कथा ही है जो हमारे है, उस त्रताप यंत्रणा को दूर कर सकते भगवान कथा ही है जो हमें मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं प्रेम भी प्रदान कर सकते हैं कृष्ण कथा में जो सामर्थ्य है वो शावर्त और किसी में नहीं है श्री प्रबल स्वरषतिपाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है विवेक शतकम तो विवेक शतकम के अंतिम श्लोक से पहले सौ श्लोक में उस ग्रंथ को श्री पर्वानंद सरस्वती पाद ने लिखा है विवेक शतकम और उस विवेक शतकम के जो अंतिम श्लोक से पहले श्लोक यानी निन्यानबेवा जो श्लोक है उसमें श्री भगवान कथा की महिमा को वर्णन किया है कि भगवान कथा की कैसी महिमा है तो क्या भगवान की कथा ऐसे है जो सब कुछ कर्ण में समर्थ है की मलिनता दूर करना हो भगवत चरण प्राप्ति करना हो मात्सर्य दोष को विमोचन करना हो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना हो ऐसा कोई क्रिया नहीं जो भगवत कथा के माध्यम से नहीं हो सकता है तो इसलिए भगवत कथा के महिमा के ऊपर और कुछ महिमा ही नहीं है भगवान की जो महिमा जो अतः जो सत्संग है जहाँ श्री भगवान के दिव्य चरित्र लीला गुण का वर्णन किया जाता है उस स्थान को छोड़ के और कोई पवित्र स्थान है ही नहीं भगवान कथा को छोड़ करके कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं संसार में भगवान की कथा ही निर्मल यशपूर्ण चरित्र ही सारे कष्ट को दूर कर सकता है तो ऐसे भगवान की कथा की महिमा है इसीलिए कहा कि श्री भगवान आपके कथा है जो पूरे जगत में व्याप्त है नाना प्रकार से व्याप्त है अलग अलग रूपों में व्याप्त है भगवान की जो दिव्य चरित्र है न जाने कितने चरित्र है भगवान के अलग अलग क्षेत्र में भारत क्या जाओगे तो अलग अलग चरित्र भगवान के प्राप्त होंगे जिसे भगवान श्री रामचंद्र है अनेक रामायण है एक नहीं कम से कम 28 से उत्तीस रामायण प्राप्त है और एक ही लीला लिखा हुआ ऐसा नहीं है विचित्र विचित्र लीलाएं लिखी हुई है जो आपने पहले कभी सुना भी नहीं है जब अलग अलग कल्प में भगवान अवतीर्ण होते हैं और अलग अलग कल्प में अलग अलग अला श्री भगवान लीलाएं करते हैं तो एक एक कल्प का अलग अलग ग्रंथ है तो भगवान के दिव्य लीला अलग अलग जगह में अलग अलग रूप से भी वर्णित है यानी भगवान के ही कथा है पर अलग रूप से उस स्थान पर उसका ख्याति है, व्याप्त है ऐसे समुदाय भी हैं जो श्री भगवान के नाम भी आपने शरीर पे एकदम जो है टैटुकी जैसा बनवा लेते हैं कि वो आपने को राम की परम भक्त मानते कि हमारी ये जो नस्ल शरीर है इसमें कोई श्रृंगार करने की वस्तु नहीं है अगर श्रृंगार किसी से किया जाए तो श्री भगवान के नाम के द्वारा ही आपने पूरे शरीर को श्रृंगार करेंगे तो ऐसे परम भक्त भी है तो श्री भगवान के जो दिव्य गुण कथा है वो सब जगह में ही परिव्याप्त है तो ऐसे दिव्य कथा भगवान आपके है प्रभवन प्रभुत्वान जो अनंत स्वप्रिय सखा ईश्व तो दुष्वा प्रिय सखा हे भगवान जो अनंत देव है अनंत जो शेष कह दो या अनंत कह दो तथा तो श्री बलराम जो अनंत देव है, जो शंकर तो भगवान अनंत जो आपके प्रिय सखा रूप में विराजमान है भाई भी है और सखावी है। सखा है प्रिय सखा है भगवान की दाऊ भैया त्वी तो रतिम अंतो लब्ध भावा संतो साधव स्व आत्मन उदाहरण तो धृतवंतो मुक्त इत्यार्थ है तो कह रहा है कि जो है भगवान त्वी तो रति त्वी तो रतिम अंतो लब्ध भावा संत त्वी तो रतिम अंत अंत शब्द का अर्थ होता है निश्चित अंत हम लोग अंत जानते अंत मतलब खत्म हो गया ना संस्कृत में अंत शब्द का अर्थ वो अंतिम अर्थ में भी लगता है पर अंत शब्द का दूसरा है निश्चय तो कहा कि भगवान यानी आप में रति आसक्ति हो जाना प्रेम हो जाना उसको रति के संगा दिया जाता है तो रति अंत यानी निश्चित रूप से किसी का आपके आपके ऊपर अगर रति हो जाता है आपसे प्रेम हो जाता है आपके प्रति उनका पूर्ण निष्ठा होता है पूर्ण आसक्ति हो जाता है तो लब्ध भावा है वो आपको प्राप्त कर लेते हैं और संत की भाव को प्राप्त कर लेते हैं यानी वो संत हो जाता है तो क्या साधवा स्व आत्मान उदाहरण उद्धृतवंत मुक्ता इत्यार्थ जो साधव होता है पंडित होते हैं जो जो साधना करने वाले होते हैं जो ज्ञानी होते हैं वो श्री भगवान को ही प्रेम करते हैं भगवान को ही भक्ति करते हैं क्योंकि वे जानते हैं इस संसार में ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो नश्वर नहीं है और इस संसार के किसी वस्तु में मेरा अधिकार नहीं है अधिकार नहीं है इसका तात्पर्य कि वो हमें जैसे हम किराए के मकान पे किसी के पास रहने जाते उसका हमारा अधिकार नहीं होता जब तक किराए के मकान में है पैसे दे रहे हैं और मकान मालिक करे ठीक है महीने में फिक्स है कि दस हज़ार रुपया देना है मकान में रहो जल भी मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है स्वयं की व्यवस्था करना पड़ता है पर आप उस मकान मालिक मकान के अधिकारी नहीं हैं अधिकार आपको नहीं मिला है आपको बस रहने के लिए दिया गया है और वो भी आप पैसे दे रहा हो उसके लिए किराया देना पड़ रहा है तो ठीक इसी प्रकार से स्वयंसार में भी सबको आने और जान सबको आना है और जाना है तो किसी वस्तु के ऊपर किसी का अधिकार ही नहीं है कब तक है वो भी पता नहीं है कब आपना श्वास छूट जाए और आप यह लोग से चले जाए तो आपके जो आपने कमाया जो आप अपना मान रहे थे आपके जो अधिकार मान रहे थे कि ये मेरा घर है मेरा पत्नी है मेरा बच्चा है मेरा जमीन है मेरा मकान है ना? सब कुछ जो है क्या हो जाएगा एकदम सब चला रह जाएगा आप कुछ नहीं लेके जाओगे तो आप सोचो जरा कि ये संसार ये जो संसार है वो किसी का नहीं है यहाँ पे किसी वस्तु में आपका अधिकारी नहीं है वो आपको कुछ देर के लिए प्राप्त हुआ है कि आप उसका उपयोग करो उपयोग करके उसका नाश करो या उसको अच्छे काम में उपयोग करो उसको बुरी काम में उपयोग करो अब क्या करना चाहते हो वो आपकी विषय है क्या आप धन कमाया उस धन से आप भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना चाहते हैं ना कि दारू ले करके खाना चाह पीना चाहते हैं वो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो भगवान तो आपको वस्तु दे दी है आप उसका क्या करना चाहते हो वो आप ही जानते हो स्वयं तो भगवान सब कुछ का मालिक वही है हम किसी वस्तु का अधिकार हमें नहीं प्राप्त हुआ बस कुछ देर उपयोग के लिए प्राप्त हुआ इसीलिए ज्ञानी जन जानते हैं भक्त जन जानते हैं यह नश्वर है ये सभी संबंध जो है ये भी नश्वर है क्षण भर का संबंध है इसीलिए वे किसी में आसक्त ही नहीं होते हैं कोई संत निर्वैरी होता किसी से वैर नहीं रखते ना किसी से प्रेम करते हैं सबसे प्रेम करते हैं किसी से प्रेम नहीं करते तात्पर्य सब सबसे प्रेम करते हैं किसी एक से प्रेम नहीं करते हैं पर हमारे में क्या दोष है संत और हमें क्या पार्थक्य है कि संत किसी को प्रेम नहीं करते सबको करते हैं और हम सबको प्रेम नहीं करते किसी किसी लोगों को करते जो आपने होते हैं यानी आपने में हम आबद्ध हैं और विषय ऐसा वस्तु है जब तक आपके पास धन है तब तक आपके पास कोई मित्र की कमी नहीं होंगे बंधु आत्मीय सजनों का कभी कमी नहीं होगा जैसे आपकी स्थिति बिगड़ेगा सारे के सारे बंधु भाई साहब भाग जाएंगे कोई साथ नहीं देने वाले होगा कभी किसी से पैसा मांग करके देखो ऐसे परीक्षा करने के लिए किसी लोगों को पहचानना है कि वो सही में हमारा मित्र है कि नहीं है तो उससे जा करके पैसा मांगो तब तो आपको समझ में आएगा कि ये बंदा सही में तुम्हारा मित्र है कि नहीं है बड़ा विपत्ति के बहाना बनाओ कि हम बहुत विपत्ति में फंस गए हमको अभी दो कुछ पैसा चाहिए हमको दस लाख रुपया चाहिए जो मित्र होगा वो कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था वो करेगा बोलेगा हाँ मैं इतना कर सकता हो ठीक है पर जो मुंह मुंह में बोलते हैं कि मित्र हो फलाना हो देखना जेब से पैसा की बात आएगा तो तुरंत वहां से निकाल जाएगा भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं हम नहीं कर सकते हमारे ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो ये मित्रता नहीं है वो स्वार्थ है जो मित्र होते मित्र का लक्षण कहते हैं कि, कि सारे आपत्ति में विपत्ति में और शमशान घाट तक पर्यंत जो साथ निभाए वो मित्र है यानी आपत्ति में विपत्ति में किसी भी अवस्था में हो अंततः कहा कि जब शमशान घाट तक यानी चीताए जल रहा है उस तक जो हमारे साथ निभाए वो हमारे मित्र होते हैं ऐसे मित्र मिलना बड़ा मुश्किल है आजकल तो भाई भाई में लड़ाई हो जाता है भाई भाई में लड़ाई होता है किसके लिए जमीन के लिए संपत्ति के लिए विषय के लिए क्यों होता है क्योंकि हमें बचपन से रामचरित्र नहीं पढ़ाया जाता है पहले क्या होता था कि शिक्षा दिया जाता था बच्चों को गुरुकुल में तो आप श्री भगवान के चरित्र को पढ़ाए जाते थे रामचरित्र कैसे अद्भुत है कि श्री भगवान रामचंद्र जिनको राजकुमार होना था उन्होंने सारे संपत्ति का परित्याग करके पितृयाज्ञ का मातृय का पालन करने के लिए सब कुछ छोड़ करके वन में गमन किया और जिनको राज्य प्राप्त हो रहा था भरत जी को तो भरत जी ने उसको ग्रहण नहीं किया है जबकि सभी ने कहा भगवान रामचंद्र के पास जब गए भरत जी और जाकर के मिले तो भगवान राम ने भी कह दिया कि चलो तुम ही चौदह साल के लिए बैठ जाओ तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं बैठेंगे क्योंकि वो भगवान है और भगवान को झूठा नहीं खिलाया जाता है तो हम उसमें गद्दी में बैठेंगे राज करेंगे और फेर देंगे फिर तो वो ठीक बात नहीं तो भरत ने भी नहीं लिया काक नहीं आप आपने कुछ ऐसा दी जिसको रख करके मैं अपना राज्यपाठ चला सकूं मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं कितनी प्रेमी भाई है जब आए लौट करके तो सब कुछ पुनः द्वारा समर्पण कर दिया तो ये चरित्र तो भगवान है क्यों ये चरित्र दिखा रहे हैं ये चरित्र इसलिए दिखा रहे हैं कि भाई भाई में संपर्क कैसा होना चाहिए एक भाई दूसरे भाई से क्या संपर्क रखना चाहिए कैसे व्यवहार होना चाहिए चारों भैया चार एक ही हृदय है और यहाँ पे हम लड़ रहे हैं जमीन के लिए जायदाद के लिए ऐसा भी घटना हमने सुना कि सालों साल हो गए तीस पैंतीस साल हो गए भाई से कोई संपर्क नहीं है बिल्कुल कोई बात नहीं करते किसी से तो एक बार ऐसे एक महाराज जी थे जिन्होंने ऐसे हरी कथा सुनाते थे तो हरी कथा सुनाए रामचरित्र को सुनाया तो एक आदमी उसमें बीच में से महाराज जी के पास आए और रोए खूब कि मेरा अभी उम्र हो गया है लगभग सत्तर साल और मेरे भाई से चालीस साल से मेरा ऐसे केस चल रहा है मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ पर रामचरित्र मैंने कभी नहीं सुना था ऐसे जब मैंने चरित्र सुना आपके भगवान मुखार से तो मुझे एहसास हुआ कि चालीस साल से मैं वृथा झगड़ा और बोहो में फंस करके मैं अपने भाई से लड़ाई करके बैठा हूं तो फिर वो गया अपने भाई से मिले और जो झगड़ा था उसने निभाया और जा करके सारे जमीन जायदाद के पेपर उसको पकड़ा दिए और भाई भी इतना खुश है कि नहीं झगड़ा जो था हम समान रूप से बांट लेंगे तो ये होता है भगवान के जो दिव्य चरित्र होता है कथा होता है वो लोगों को शिक्षा देते हैं तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि ये सब कुछ संसार में नश्वर है तो जब नश्वर है और मैं भी नश्वर हूँ तो किस बात का मैं लड़ाई करूँ किससे अभिमान करो किससे झगड़ा करो किससे से व्यर करो कुछ दिन के लिए ही मिला है इसमें भी झगड़ा विदेश ये करके जाएंगे तो भजन नहीं हो पाएगा किसी से विद्वेष रखोगे तो आपने आप ही मन में खराब विचार आने लगता है किसी के साथ विद्वेष है तो उसकी जैसे प्रतिष्ठा होता है कुछ तो वो सुन के ही बहुत बुरा लगता है कि मेरे से आगे बढ़ चुका है उसका प्रतिष्ठा ये हो रहा है उसने फलाना बना लिया है स्वयं के बारे में चिंता नहीं हो रहा है चिंता दूसरे के बारे में हो रहा है समाज एक तो प्यार भी कर लियो समाज भी हम हमारा ही जा रहा है उसकी चिंता तो विद्वान लोग पंडित लोग ज्ञानी जो होते भक्त होते हैं प्रकृत रूप से जो विशुद्ध भक्त होते हैं वो ये सब चक्कर में नहीं फंसते हैं वो क्या करते हैं कि भगवान के जो दिव्य चरित्र है गुण है उन दिव्य चरित्र का आस्वादन करके वे श्री भगवान में मन लगा लेते हैं दूसरी सारे विषय को छोड़ देते आपने इसलिए कहा कि ऐसे जो श्री भक्त है श्री भगवान आपके भी आप ही आशक्त हो करके स्वात्मनम उदाहरण तम उद्धृतव और वो एक उदाहरण प्रस्तुत करके जाते हैं अपना ऐसे अनेक भक्त है जो ऐसे सारे विषय को छोड़ करके जो है श्री भगवान में मन लगा लिया है बताओ श्री तुलसीदास जी तुलसीदास जी आप स्त्री से बहुत प्रेम करते थे जब डाँट फटकर लगा और फिर भगवान के परम भक्त हो गए और इस संसार में स्त्रियों से जिनको धोखा मिला वो बड़े बड़े भक्त हो गए तुलसीदास जी बिल्ल ठाकुर स्त्रियों ने जिनको ठुकरा खूब फटकार लगाई फिर वो तुरंत तो माताओं का बड़ा इसमें कृपा है माताओं का बड़ा योगदान है भक्त बनने में भी कि जब तक उन्होंने फटकार नहीं लगाई कि तुम आसक्ति में बैठे हुए हो फटकार लगाया बिल्ल मंगल ठाकुर को तो ऐसे फटकार लगाए बिल्कुल ठाकुर भी जब आपने ग्रंथ लिखे तो चिंतामणि री चिंतामणि का जय लगाया कि उनको गुरु माना कि भी हमारे गुरु है कि उन, उनके ही कारण डांट फटकार लगाया गुरु ही तो होता है डांट फटकार लगा करके मार्ग दिखाने वाले तो कम महिमा नहीं है उनकी भी तो जी की पत्नी की भी र, जो है रत्नावती की भी को कम महिमा नहीं थी बड़े महिमा थे नहीं कि साधारण कोई स्त्री थी नहीं ये बड़े महिमान्वित ऐसे उन्होंने भी इसके योगदान है तो ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए हैं आपने उदाहरण प्रस्तुत करके गया जगत में कि सारे विषय को छोड़ दिया दे करके श्री भगवान में ऐसे आसक्त हुए कि स्वयं उदाहरण हो करके आज विराजमान है तो ऐसे ही उद्धितवंता तो मुक्त और विश्व में मुक्त हो चुके मुक्त पुरुष हो चुके हे प्रभु और हे भगवान हे सर्वेश्वर हे गुणकंद हे गुण के आकर त्वद भक्तानाम आपके जो भक्त है ते गुणाद ते गुणान, ते गुणास त्वद अनुग्रहद देव देवदयन देव, देव उदयन्ति इत्यर्थ अनुग्रहद एव उदयन्ति इत्यर्थ कि हे भगवान आपके जो भक्त होते हैं तो यह उनके जो ये आशक्ति ये जो प्रेम है उस प्रेम के कारण आपके जो गुण है भगवान कि आप गुण कंद हैं तो इसीलिए भगवान आप ही कृपा करते हैं वो इसे जो आपके ऊपर प्रेम करते हैं आपको जो रति करते आसक्ति आप में हो जाता है किसी का तो आप उनको कृपा कर देते हैं और आपके गुण से ही आपके जो गुण है ये कृपा गुण है उसके कारण ही तद अनुग्रह आपके ही अनुग्रह से अनुग्रह देव उदय और आपके ही जो कृपा है आपके ही अनुग्रह से वहाँ जो भक्त है, वो क्या होता है उदय होता है जगत में उनका नाम ख्याति बढ़ता है भगवान अर्थात यहाँ गुण भक्त में जो भी गुण उत्पन्न होते हैं वो विश्व भगवान के कृपा से ही होता है आशीत अशीत निलस्य नवकंद नूतन नूतन अभ्रवश आकृतिम धारित धरती हे तथा हे रद तो कह रहे है कि श्री भगवान आप कैसे हैं तो कह रहे हैं हे भगवान आप नवनीरद है आप नवनीरद यानी नए जो मेघ है नए जो मेघ है जलधर मेघ है ऐसे ही आपके अंग के कांति है नील नीलवर्ण कुमल कुटमल ज्वलदंत तो पंक्ति इत्या विशेष उल्लेखन पूर्णरूक्तम श्री भगवान आप कैसे तो करे कुंद दर्शन तो कुंद शब्द का जो प्रयोग यहाँ पे क्या हुआ है कृतिधर कुंदा मलरद तुंदा तुभवन वृंदा उसी में कह रहे हैं कि श्री भगवान आप कुंद दर्शन है तो कुंदो कुटमल ज्वल दन, ज्वल दंत पंक्ति तो जो कुंद कुटम है उसके जैसा उज्ज्वल जिनके दांत हैं भगवान के यानी मुक्ता के सदृश जो भगवान के दांत है भगवान की स्तुति बार बार करे इसलिए भगवान के जो दिव्य छवि का बार बार वर्णा श्री गोस्मी पात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री भगवान के जो यह विशेष रूप से यहाँ के उल्लेख कर है बार बार पुनरोक्ति करके तुंदात्त भुवन कुक्षी धृत जगत कि भगवान आपके जो कुक्षी है कुक्षी में गर्भ में भगवान आपकी पेड़ में कुक्षी में ही अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है तो जब महाप्रलय होता है तो महाप्रलय के समय में जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड सब कुछ भगवान के उदर में चले जाता है इसीलिए कहा कि भगवान आपके उदर में ही ये सारे विश्व ब्रह्मांड विराजमान है भगवान के उदर में जो भगवान के विराट पुरुष का वर्णन किया गया है जो विराट स्वरूप है भगवान के उस विराट स्वरूप जो भगवान है उनके उदर में ही समस्त क्या है विश्व ब्रह्मांड विराजमान है वृंदावन भवंशा नवो गंधास्पदेनो मकरंदिन अन्वितंच नव मंदार पुष्प बृंदम तीन अर्चिता कचायष्य मंदार देवतरु तो वृंदावन में जो मंदार पुष्प है जिसकी गंध से जिसकी मकरंद से जिसकी गंध से यानी उसकी जो सुगंध है और पुष्प में जो मधु होता है वह मधु को पान करने के लिए जब भौरा आ रहा है तो भोरा जो जब उस पुष्प के ऊपर बैठते हैं तो फिर उस मधु का अपान करते और तुरंत क्या होता है उस समय उस जब पुष्प में इधर उधर करते तो उससे जो है वायु के प्रभाव से और भी ओर वो क्या होता है फैल जाता है सुगंध पूरा और पराग भी बाहर निकल के आ जाता है तो जहाँ जहाँ पराग ऐसे ऐसे बिखरता है तहाँ तहाँ उहा वहा पर क्या होता है फिर तो सुगंध हो जाता है तो इसीलिए कहा मंदार जो पुष्प है उस पुष्प से पूरे वृंदावन में जो है सुगंध से भर गए हैं और रस से पूर्ण हो चुके हैं मानी भोरा इधर उधर जो घूम रहे हैं उसके कारण से उस पुष्प का जो सुगंध है पराग इधर उधर बिखर रहे हैं तो उससे पूरे सुगंध वृंदावन में जो है प्रफुल्ल रूप से वृंदावन फैल गए हैं और पूरे वृंदावन जो है प्रफुल्लित हो रहे हैं तो ऐसे जो मंदार पुष्प है उस पुष्प के द्वारा मंदार के कुसुम बृंदम अर्थात उस पुष्प के कुसुम के द्वारा अर्चित भगवान आप अर्चित है कैसे अर्चित है कचा का तात्पर्य होता है जो केश है केश के ऊपर जो चूड़ा लगाते हैं मुकुट के जो हम कहते हैं तो पुष्प के द्वारा जो है वो मुकुट जो है पुष्प के द्वारा बना हुआ है फूल से तो वो श्री भगवान के मस्तक पे धारण किया हुआ है कि को सजाए हुए उससे तो ऐसे श्री भगवान आप सुशोभित हैं मंदार देवतर हो भगवान बंदार वह प्रणवंत तो हो ये निखिल बृंदा कवरा देव सृष्टा ब्रह्मादयस्त एव बंदित स्थिर इडितम कृत है का तात्पर्य कह रहा है कि प्रणवंत हे भगवान जो बंदी है अर्थात असुर के द्वारा पीड़ित हो चुके हैं कौन पीड़ित होते हैं देवता देवता के ऊपर बार बार असुर जो है आकर के हमला कर देता है स्वर्ग को हड़पने के लिए और जब देवताओं को बंदी बना लेते हैं तो देवता जा कर के किससे प्रार्थना करें तो भगवान श्री गोविंद से जा कर के निवेदन करते प्रार्थना करते कि प्रभु आप कृपा करो आप कृपा करो है ना? तो वहाँ जो बंद जो देवगण बंदी हो चुके ये निखिला वृंदा कवरा देव श्रेष्ठाद यानी देव में जो श्रेष्ठ है ब्रह्मादय ब्रह्मा, ब्रह्मा शिवादि भी इंद्र आदि भी वे सब बंदी हो करके कह रहा है कि बंधिस्तर इड़तम कृतस्त्रोत्र कि भगवान वो आपका वंदना करते हैं आपकी स्तुति करते हैं जब व्यक्ति में होते हैं क्लेश में होते हैं जब कोई विषय उनको ढूंढ करके प्राप्त नहीं हो रहा है तब श्री भगवान को ही स्मरण करते चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे शिव जी हो चाहे अन्य देवता भी हो वो भगवान विष्णु का तब स्मरण करते कि प्रभु रक्षा कीजिए तो ऐसे भगवान आओ का जो है अभी ये सब स्तुति का रचित तो स्तोत्र है। बंदीना स्तुति पाठ का जो स्तुति को पाठ करने वालों की बंदीना शब्द से कहा जाता है। विध्वनाशन्दे वितानि विकाशतानि अन्यतो लक्षण्ति श्वभवानि इंदिवरानी इंदिवरानि तानि परिणिति तीरुशकरति ताद्रिक ताद्रशम युगम येष्य। तो कह रहे है कि जो विधुना विकसित अन्य अन्य तो, तो शोभारानी तो अभी सूर्य का उदय हुआ और तब तो जो इंदिवर है उसका अभी विकास हुआ तो विकसित जो इंदिवर है उस इंदिवर के जैसा शोभामान जो जिनकी नेत्र है अर्थात कह रहा है कि जो शुभा प्राप्त हो रहा है इंदिवर है पुष्प है तो इंदिवर जो पुष्प है उस पुष्प की जो शोभा है उसकी जो कांति है उस कांति को भी तिरस्कार कर रहा है श्री भगवान के नेत्र की एक क्षणम युगम यानी भगवान के जो नेत्र युगल है इतनी सुंदर है कि कमल की जो पंखुड़ी है जैसे होते हैं उसकी भी निंदा कर रहे हैं तिरस्कार कर ऐसा भगवान की नेत्र इतने सुंदर है ऐसा अद्भुत है नंदीश्वर स्वर पतेर ब्रजस्वरस्व नंदी समृद्धि कर्म हितम कर्मी हितम चिष्टा यश स्व तम हे जयधी तो श्री भगवान आब धीर है धीर का तात्पर्य रहता है जो बड़े ही ज्ञानी होते हैं उनको धीर शब्द से कहा जाता है धी शब्द में बुद्धि को कहा जाता है धीमान धी धी शब्द में पंडित को ग्रहण किया जाता है तो धीर का तात्पर्य होता है जो बड़े ही समग्र कलाओं में जो पारंगत है वो धीर है ऐसे श्री भगवान आप धीर हैं और नंदीश्वर पते पतेर तो जो नंदीश्वर पतेर अर्थात जो श्री भगवान नंद महाराज है वे आपके भगवान जो दिव्य लीला है जो आपकी क्रीड़ा है उसको देख करके बड़े आनंदित होते हैं तो आप भी क्या करते हैं कि नंदबाबा को आनंद देने के लिए आप नंद बाबा के सामने ही अद्भुत अद्भुत क्रीडाए करते हैं जिससे कि नंद बाबा आनंदित हो तो भगवान नंद बाबा को आनंद प्रदान करने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा क्रीड़ा भगवान आप करते रहते हैं ऐसे जो है भाव यहाँ पे श्री गोस्वामीपाद व्यक्त कर रहे हैं अब पुनश्च कह रहे स्मित रुचि मकरंद श्यांदी वक्तार वृंदम तव पुरूपरहम सान्विष्ट गंधम कुंद विरचित पशुपाल नेत्र सारंग रंगम मम हृदय तड़ाग संगमंगी करो अंबरगत सुरबिनाति विलंबितो तुंबुरु परिभवि मुरली करमबितो शंबर मुख मृग शंबर मुख मृग निकर कुटुंबितो सं्रम बलहित युवती निचंबितो इस प्रकार से जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हे है वीर कलिकांत श्लोक अब कलिका के अंत में श्लोक का प्रयोग कर रहे हैं स्मित ती कि हे मुकुंद हे भगवान मुक्तिम ददाती मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करते हो भगवान मुकुंद है और मुख्य कुंदो मुख्य कुंदो पुष्प बत स्मितम हास्यम मुकुंद यानी जो कुंद पुष्प होते हैं उसके जैसा जिनका मुस्कुराहट है वो भगवान मुकुंद है क्योंकि भक्त मुक्ति का प्रार्थना नहीं कर रहे तो मुक्ति की भाव से भी भगवान को मुकुंद नहीं कह रहे हैं कि जैसा भाव होगा उसी प्रकार भगवान को बुलाएंगे तो भक्त के हृदय में मुक्ति की कोई वांछा नहीं है इसीलिए श्री भगवान के जो मुखारबंद की मुस्कुराहट है कुंद के पुष्प के समान इसीलिए उनको मुकुंद शब्द से कह रहे हैं कि भगवान मुकुंद है आपके हाँ बहुत ही सुंदर इसीलिए जब जब श्री भगवान मुस्कुराते हैं तब तब संबोधन जब कोई गोस्व पात करते आचार्य पात करते हैं तो मुकुंद शब्द का प्रयोग करते हैं कि भगवान के मुस्कुराहट कैसे जैसे खिले हुए कुंद पुष्प है ठीक उसी प्रकार से भगवान के मुस्कुराहट है यानी देखने में बड़ा सुंदर लगते है जब भगवान मुस्कुराते हैं तो हे मुकुंद तब आपके के वृंदम आपके जो श्री भगवान बदनार वृंद है यानी आपके जो मुखामंडल है कर्तृ ममो हृदय तड़ागे चित्त स्वरशि संगम संबंध मंगी कर स्ूर्ति यानी भगवान आपके जो वदनार है जो कमल सदृश आपके मुखमंडल है वह जो मुखामंडल है वो मेरे हृदय रूपी तड़ाग यानी जो सर्वर होता है उसको तड़ाग शब्द से कहा जाता है कि चित्त स्वर से रूपी जो सरोवर है उस सरोवर में उसके साथ संबंध हो जाए यानी वो पद्म विराजमान हो जाए तो पद्म कहाँ रहता है कहाँ होता है सरोवर में तड़ाग में नदी में तो कह रहा कि सरोवर में ही पद्म होता है तो इसलिए कहा कि भगवान मेरे रूपी स्वरव में आपकी मुखारवंद रूपी जो पद्म है उसका स्थिति हो, जा, हो जाए वो विराजमान हो जाए यानी उसका संग प्राप्त हो जाए संबंध मोंगी करो तो भगवान आप मेरे साथ संबंध शिकार कीजिए यानी मुझे आप अपना सेवक रूप में ग्रहण कीजिए दास्य रूप में ग्रहण कीजिए ये प्रार्थना है भगवान और कोई दूसरी प्रार्थना नहीं है तो इसलिए वो उसका ग्रहण करे मुझे ग्रहण करे अर्थात मुझे दर्शन प्रदान करे मुझे शिवा प्रदान करे, इस भाव से श्री गोसाई यहाँ यापी प्रार्थना कर रहे हैं स्फुर्तिथ यानी भगवान आपके स्फुरन मेरे हृदय पे हो ऐसा भाव है कीदृशा तो जो श्री भगवान है वो कैसे हैं किस प्रकार से हैं तो उस का वर्णन कर रहा स्मित रुचि रूपम मकरंदम श्यांदयति प्रद्योत तथ तो कह रहा है कि जो श्री भगवान आपके जो मुस्कुराहट है जो आप मंद जो मंद जो मुस्कुरा रहे हैं भगवान तेरे मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार जाओ सा श्री भगवान के जो मंद मंद मुस्कुराहट है उस मंद मंद जो श्री भगवान मुस्कुरा रहे हैं उस हास्यरूप जो मुस्कुराहट है जो हस, ह, ह, जो भगवान हंस रहे हैं मुस्कुराहट सोच श्री भगवान के मानो मकरंदम श्यांदती मानो की अमृत की वर्षा हो रहा है जैसे मकरंद है अमृत है ठीक वैसे ही जो मानो मकरंद का क्षरण जो श्री भगवान के मुस्कुराने से हो रहा है श्यांदी प्रदि यानी ऐसे प्रकाश हो रहा है भगवान की मुस्कुराहट कि जिसका दर्शन करने से लगता है कि मानो कि अमृत को ही पान कर लिया हमने ऐसे श्री भगवान के मुस्कुराहट है पूर्वी भी, पूर्वीर बहु भी तो कह रहा है कि जो परमांश है बहु परमांश अनेक परमहस है तो भगवान के जो मंद मंद मुस्कुराहट हो रहा है और भगवान के जो श्री अंग कांति है उस अंग कांति के एक सौरभ है तो ऐसे अंग की जो कांति गंध गंध है सुगंध है यानी भगवान के जो दिव्य गुण है लीला गुण है वही तो सौरभ है तो दिव्य गुणा गुण लीलाओं का श्रवण करके जो पर बड़े बड़े परमहंस हैं अनेक परम्हांस हैं वे उत्कृष्ट ही कादम्ब ही पक्षे शांत भक्तिर अन्विष्ट शांत भक्त अन्विष्ट न तो प्राप्त है गल्ला तो कह रहे भगवान आपके जो दिव्य गुण है रूप है लीला है उसका श्रवण करके परमंस है जो उत्कृष्ट कादम्ब है उत्कृष्ट जो भक्त होते हैं वो जो शांत भक्त हैं वो उन दिव्य लीला गुण को श्रवण करके आपको अन्वेषण कर रहे हैं कि कैसे श्री भगवान को प्राप्ति हो कब प्रभु का दर्शन वो आकृष्ट हो करके आपका अन्वेषण कर रहा है कि कब मुझे प्राप्त होगा कब मिलेगा कब मिलेगा परंतु वे भी ना तो संप्राप्त वे भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है कि भगवान ऐसे दुर्लभ है इसलिए कहा योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुशूध भगवान योगिंद्र के लिए भी दुर्गम है दुरारध्य है ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र है एक बार जावाली ऋषि थे तो जावाली ऋषि जो है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े कि ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो तो बड़ा उसने तपस्या किया अब तपस्या करने के बाद भी उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो वो सोचने लगा कि भाई ब्रह्म ज्ञान इतने साधना करने के बाद भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ अब क्या करें तो किसी भी मुनि के पास भी गया तो मुनि ने कहा कि भैया तुम जिसकी तपस्या कर रहे हो वो स्वयं तपस्या में लगे हुए हैं बोले किनके तपस्या में लगे हुए हैं कह रहा है कि स्वयं जो ज्ञान रूपी जो ब्रह्म ज्ञान रूपी जो स्वयं है वे स्वयं तपस्या में लगे हुए हैं कि मुझे भी श्री भगवान के चरण कमल की प्राप्ति यानी गोपी स्वरूप मुझे प्राप्ति हो इसलिए तपस्या कर रहे हैं तो जवाली जी जा करके अब उनसे पूछे कि तुम तो तु ब्रह्म है तुम्हारे लिए बड़े बड़े जोगी भी तरसते कि मुझे भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो आप स्वयं ब्रह्म ज्ञान होकर के क्यों तपस्या कर रहे बोले अरे भाई ब्रह्म ज्ञान में रखा क्या है इसमें ना तो कोई स्वाद है ना कोई रस है ना कोई गंध है इसलिए भगवान के जो दिव्य लीला है दिव्य रूप है दिव्य माधुरी है उसका मैं आस्वादन करना चाहता हूँ इसलिए मैं गोपी होने के लिए तपस्या कर रहा हूँ तो श्री भगवान के जो चरण कमल है चरण माधुरी है रूप माधुरी है गुण माधुरी है लीला माधुरी है उस सारे माधुर्यों का श्रवण करके ही परमहंस लोग तरसते हैं कि ऐसे भगवान का कैसे दर्शन हो कैसे उस रस माधुरी का पान हम करें इसलिए वे अन्वेषण करते पर अन्वेषण करने से ही मिल जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है अन्वेषण तो कर रहा है पर भगवान वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि भगवान परमहंस के लिए भी दुर्लभ है बड़े बड़े योगी मुनि शुद्ध के लिए भी भगवान दुर्लभ है ऐसे छोटे मोटे सिद्धि तो किसी को भी मिल सकता है कि ए, तुम्हारा ये बीमारी हुआ ये करो वो करो ये सब साधारण से सिद्धि है और ये सब के पीछे भक्त लोग जो मूल भक्त होते हैं ये सब के पीछे ही नहीं पड़ते उसकी अलग आला, स्थिति अलग होते वो लौकिक जगत के विषय में सोचते ही नहीं उनकी चिंताएँ चेतनाएं भावना कुछ अलग लेवल के होते हैं वो बाहरी चिंता चेतना से नहीं होते अष्ट सिद्धि नव निधि के द्वारा कौन है श्री हनुमान जी है बताओ श्री भगवान को भी नहीं देना पड़ रहा भगवान के भक्त में इतने समर्थ हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि को ही दे देते हैं भगवान को नहीं देना पड़ रहा कि भगवान के भक्त का ही कोई शरण ले ले राम जी से ज्यादा तो हनुमान जी की पूजा होते हैं और कब होता है पूजा बोले कि नौकरी करना है तो दो लड्डू चढ़ा के आते हैं हनुमान जी के पास जा कर के कि भगवान नौकरी लग जाए अब नहीं लगा तो हनुमान जी को तो फिर खैर नहीं कि भगवान आपके पास इतनी मैंने गिड़गड़ाए कोई प्रार्थनाएं नहीं मेरा सफल हुआ किसी को पुत्र नहीं हो रहा है वो जा करके प्रार्थना कर रहे हैं मंदिर पे हे गोविंद भगवान मेरे पुत्र हो जाए मैं आपको सूर्य का हार पहनाऊंगा बताओ कैसी मूर्खता है भैया वस्तु किसके संसार किसके भगवान के वस्तु के हास कहाँ से लिया यही से लिया भगवान कौन बोले लक्ष्मीपति है और जो स्वयं लक्ष्मीपति उसको आप जा कर के सोने की हार चढ़वा रहे हो कि स्वयं भगवान बड़े भूख हो गए भगवान के पास सोना की बड़ा कमी हो गए है या आपको पहनने से भगवान खुशी हो जाएंगे नहीं भगवान नहीं चाहते हैं सब तो ये तो साधारण लौकिक वस्तु भौतिक वस्तु है भागवत जी की कथा में आते हैं आत्मदेव जी को बड़ा प्रेम था कि मेरा पुत्र हो जाए पुत्र हो जाए पुत्र हो जाए सन्यासी से बहस कर बैठे बोले अरे सन्यासी तुम क्या जानो संसार की आनंद गृहस्थ सरस के पुत्र पुत्र श्रवण विताम या गृहस्थ ही सबसे बड़े आनंद में है पुत्रो पौत्रो स्त्री और इसको लेकर के सबसे सरस आनंद है इसको छोड़कर के कुछ भी आनंद नहीं है और वही आत्मदेव जब धुंदुकारी के जो दुर्दंत उद्दंडता से जब त्रस्त हो गए कष्ट पाने लगे फिर आकर के वो स्वयं कहने लगे संसार में भैया कुछ नहीं रखा हुआ है गोकर्ण से पूछे कि बताओ मुझे ऐसे व्यक्ति जो संतप्त है संसार से त्रस्त हो चुके हैं दुखी हो चुके हैं त्रिताप में जल रहा हो उसको क्या करना चाहिए तो गोकर्ण जी कहते हैं तब तो कि पिताजी जंगल में जाइए और जंगल में जाकर के तपस्या कीजिए बोले सुखी कौन है तो बोले सुखी है मुनिर एकांत जीवन हाँ जो एकांत रूप से अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है उससे बड़ा कोई संसार में सुखी नहीं है इसीलिए आप भजन करने के लिए चले जाइए ये तो बार बार उदाहरण में ही प्राप्त हो जाता है तो भगवान कोई साधारण वस्तु तो नहीं है वो ऐसे छोटे मोटे चीज के लिए तो कोई देवता आपके पास प्रार्थना कर लो मिल जाएंगे उपासना करो मिल जाएंगे इसलिए भागवत में द्वितीय स्कंध में कहा कि किसी को विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो शिव जी की उपासना कर लो धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की उपासना करो कुबेर की उपासना कर लो गाना सीखना सुंदर संगीत सीखना तो गंधर्व की उपासना कर लो सुंदर स्त्री चाहिए उर्वशी की उपासना कर लो अलग अलग उपासना को बताया है और अंत में कहा कि अगर इन सबसे परे चाहते हो कुछ तो श्री भगवान कृष्ण चंद्र की सेवा करो बोले क्या करे अकाम स्वर्व कामवा मोक्ष उदारधी सारे कामनाओं की पूर्ति चाहते हो और कोई अगर कामना नहीं है तो और मोक्ष के पर भी कुछ चाहते हो और मोक्ष के पर क्या है तो पंचम पुरुषार्थम प्रेमम प्रेम पंचम पुरुषार्थ है पहले चार पुरुषार्थ थे धर्म अर्थ काम मोक्ष और भगवान के भक्त ने और एक पुरुषार्थ को जन्म दिया और वो पुरुषार्थ है प्रेम तो पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है वो मोक्ष के पर है और उसको चाहते हो तो क्या करना होगा तिब्रेन भक्ति योगेन जजित पुरुषम परम जो परम पुरुष है उसका तीव्रता से जजन करना पड़ेगा हल्का-फुल्का करने से काम नहीं बनेगा तीव्रता से यानी तीव्र भक्ति होना पड़ेगा श्री भगवान के श्री चरण कमल में तब जा के श्री भगवान आपको कृपा कर सकता है यानी हल्का भक्ति भक्ति से काम नहीं चलने वाला यहाँ पे कि आपने देवताओं को सुहा स्वाहा सुहा कर दिया थोड़ा घी चढ़ा दिया और यज्ञ में हवन कर दिया तो देवता प्रसन्न होकर के कुछ दे देगा परंतु भगवान नहीं देंगे भगवान ऐसे नहीं देता भगवान का ये सब तो बाजिक वस्तु तो हम नहीं देंगे बाजिक वस्तु तो किसी से भी मिल जाएंगे तो भगवान के भक्त में इतने सामर्थ्य सिद्धि निधि सब दे देते और जगत में क्या होता है कि कोई सिद्धि को दिखा दिया एक बार तो वो बड़े बाबा बन जाते हैं किसी को एक सिद्धि मिल गया बस हवा से ऐसे लड्डू निकाल देते अरे बाबा बड़े सिद्ध है एकदम बिल्कुल उन्हीं के पास जाएंगे किसी ने कर्ण से सिद्ध कर लिया अपने पास और सामने वाला बैठा हुआ है तो कर्ण पिछासी सिद्धि करने से क्या होता है कि सामने वाला का पूरी हिस्ट्री निकाल देते हैं कि आगे भविष्य क्या होगा सब बता देते हैं तो बैठे हुए सामने और कर्ण पिचासी कान में बोल रहा है कि देखिए ये बंदा ऐसे इसने जीवन में ऐसा किया ऐसा किया और लोग सोच रहे कि अरे क्या सिद्ध है महात्मा उसने सिद्ध किया वाय तो सिद्ध मिल चुके हैं ये तो छोटी मोटी बात है भगवान के भक्त के पास टाइम है क्या कि वो भगवान की चिंता छोड़ करके दूसरे की चिंता में लग जाएंगे और पैसा कमाने के लिए करेंगे ये सब भगवान के भक्त के पास तो सिद्धि ऐसे भटकते हैं और भगवान के भक्त कहते चल सिद्धि नहीं चाहिए हमको क्योंकि भक्त को पता है कि जैसे हम सिद्धि ले लेंगे तो भगवान हम नहीं मिलेगा भगवान कहते कि भाई सिद्धि ले लो क्या चाहिए बताओ भगवान के कोई परम भक्त हो जाएगा भगवान उसको मिल गया दर्शन प्रदान कर रहे तो भगवान उसको आके कहेगा कि भाई क्या चाहते हो बोलो बताओ ध्रुव जी को नहीं बोले प्रहलाद जी को नहीं बोले बार बार बोले बोले क्या मांगते हो मांगो मांगो ध्रुव जी बोले हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान आप मिल गए नहीं बोले नहीं नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा ध्रुव जी का बिल्कुल नहीं मांगेंगे प्रभु आपके प्रेम के सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए पहले चाहिए था आपको देखने के बाद दर्शन करने के बाद पाने के बाद अब कोई शेष नहीं रह गया भगवान ने प्रसन्न होकर के खुद बर प्रदान किया भक्त ने कुछ नहीं मांगे अब ध्रुव जी मांग लेते कि मुझे राज गद्दी दे दो त्रिभुवन के राजा बनवा दो तो ध्रुवल भगवान नहीं बना देते भगवान ने कहा तूने कुछ नहीं मांगा इसलिए मैं तुझे सबसे श्रेष्ठ लोग जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होगा उस ध्रुवोलोक को मैं तुझे प्रदान करता हूं जा आप बताओ कुछ मांग लेते तो ऐसा मिलता कभी नहीं मिलता प्रहलाद जी के पास जाकर के भगवान पूछे जब आविर्भूत हुए नृसिंह रूप में तो भगवान ने पूछे कि भाई क्या वर चाहते हो प्रहलाद जी भी माना बिल्कुल बोले नहीं हम कुछ नहीं चाहते जब बलि के पास भगवान आए तो बलि से भी कहे कि बताओ क्या चाहते हो बलि ने भी कहा कि प्रभु आपका दर्शन हो चुका है जबकि उसके सारे राज्यपाट खो चुका था भगवान ने मस्त में पैर रखकर कुछ नीचे दबा दिया तब भगवान पूछे बताओ क्या चाहते हो बलि भगवान से कहा कि प्रभु आपका दर्शन हो गया है। आपने हमारे मस्तक पे अपना चरण रख दिए इससे और हम क्या चाहते हैं इससे बड़ा कुछ नहीं चाहते साक्षात भगवान मेरे मस्तक में चरण रखा और इससे मैं क्या चाहू क्या मांगू कुछ नहीं चाहिए प्रभु तब तो भगवान ने कहा कि भैया इसीलिए तुम इंद्र होना चाहते थे तुमको हम इससे भी श्रेष्ठ सुतल लोग, लोग दे देते चलो जाओ पाताल में जाकर के अपना राज्य करो और अगले बार तुम्हें ही इंद्र बनाएंगे तो जो कुछ नहीं मांगे उनको सब प्राप्त हो गया आपने से मांगोगे तो भगवान दे करके भाग जाएंगे अब मांगा तो मांगा सो बलि ने क्या मांगा कि प्रभु यही मांगते हैं कि जब आप हाँ, हमें पाताली भेज रहे हैं तो हम जब भी दरवाजा के और देखे तो प्रभु आपका दर्शन हो भगवान कुछ नहीं बोले ठीक बोले, है जब मांगी रहो, तो मुझे ही मांग लिए तुमने और भगवान चले गए भगवान चले गए पाताल में और जाकर के विराजमान हो गए बलि के द्वारपाल बन करके वैकुंठ की पद खाली हो चुके हैं कोई है नहीं बैकुंठ में लक्ष्मी जी बड़े डर गए कि भैया हमारे पति को ही तो किसी ने लेके गए अब आके बाद में बलि को भाई बनवाया और तब जा करके श्री के श्री भगवान को लेके गए तो जिन्होंने कुछ नहीं मांगा उनको सब कुछ प्राप्त हुआ और जिनको प्राप्त हो उनको वो चाहिए भी नहीं थे भगवान ने दे दिया तो भगवान से जो मांगेगा ऐसे साधारण लोग की वस्तु तो दे करके भगवान क्या होता है चले जाते बोले ठीक है बेटा तुझे तो यही चाहिए था तो वो देख करके भगवान चले जाते हैं पर बाहर लोग सोचते कि बड़े सिद्ध महात्मा है तो ये छोटे मोटे सिद्ध के पीछे भक्त नहीं डोलते हैं भगवान के भक्त के पास एक टाइम नहीं है कि विषय को चिंतन करेगा ऐसे 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 महात्मा हुए कि बड़े बड़े राजा हुए और आकर के बड़े आश्रम खुला देने के लिए आए कि महाराज हम आपको इतने संपत्ति देते महात्मा हाथ जोड़ करके दे दिए कि भैया हमको नहीं चाहिए हम तो यहीं पे हमारे कुछ भी नहीं है हम खुशी है प्रसन्न है जब दोगे इसी को संभालने में इसी को देखभाल करने में जो समय की बर्बादी होगा भगवान की स्मरण छोड़ करके मैं उसी में लगे रहूँ और प्राकृतिक वस्तु मेरे पास समय नहीं है सर मैं तो भगवान के गुणगान में ही मत मस्त हूँ मस्त हो मुझे यही चाहिए प्रभु और कुछ नहीं चाहिए तो श्री भगवान के जो भक्त होते हैं वो परमांशु होते हैं वो दूसरे विषय की अपेक्षा नहीं रखते भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए भी श्री भगवान दुर्लभ हो जाता है उन्हों मतलब कौन सी स्थिति में पहुंचेगा कोई तब जाकर कि श्री भगवान उसको प्राप्त होता है तो उसे दुर्लभ कहा है भगवान की प्राप्ति सबकी बस की बात नहीं वो दुर्लभ है और दुर्लभ वस्तु तो अगर कोई होता है उसी के अनुसंधान में ही अधिक लोग लग जाता है कि दुर्लभ है इसीलिए उसको पाना सभी चाहता है ऐसे परम दुर्लभ वस्तु तो भगवान आप है बीरचित पशुपाली नेत्र सारंग ब्रजंग ब्रजांगना नयो भृंगानम रंगजेनतम और कि भगवान आप ऐसे हैं कि जो गोपियाँ हैं जो ब्रज की गोपियाँ उन जिनकी नेत्र जो है भृंग की तरह है, भोरा की तरह है जिसे उपमा दे करके कह रहे हैं यानी चंचला जिनकी नेत्र है चंचल है जो ऐसे जो नयन हैं गोपियों का ऐसे नेत्र वाले सुंदर उनके नयन माधुरी का जो है आप जो है आस्वादन कर रहे हैं न भृंगा नाम रंगोजी नतम ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र आप जो है मेरे हृदय में चित्त स्वरवर में विराजमान हो जाइए अथो श्लोकांत विरुद्ध आप श्लोक के अंत में विरुद्ध का प्रयोग कर रहे हैं अम्बरती शब्द के द्वारा अम्बरगता नभोवर्ती नाम, शूरण नाम, विलंबित तो जात विलंब है तो कह रहे अम्र यानी आकाश मार्ग से नभोवर्ती आकाश से विचरण करने वाले जो देवता है वो देवता जो है आकाश में विराजमान होकर के विनोति यानी जो है स्तुति कर रहा है नमन करते हुए तो जात विलंब है श्री भगवान आपके वंदना कर रहे हैं आपकी जय जय कर लगा रहे हैं स्तुति कर रहे हैं तुम्बुरोम गंधर्वम परिभवती तादृश कर करम्बित तो युक्त है और भगवान जब आप वंशी बजाते हैं तो भगवान आपके वंशी बजाने से जो गंधर्व के जो गीत है जो कौन तो तुम्बुरुम तुम्बुरु नाम के जो गंधर्व है उनके जो गीत है उसके गीत बड़े सुंदर होते हैं तो ए, उनके गीत के जो अभिमान है कि मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा गा नहीं सकता उनके वहाँ जो अभिमान है वो अभिमान भी दूर हो जाता है कि भगवान के वंशी में ही इतनी क्षमता है कि उससे भी अधिक सुंदर वंशिका धनी है वो परास्त हो जाता है शंबर मुखेर मिगनि करे सह कुटुंबिता यस्य विश्वस्तुते हे परिवृता और शंबर प्रवृत्ति जो हिरण है हिरण है वंशिक रव से आकृष्ट हो करके सब जो है भगवान आपके चार बार प्रविष्टित हो करके एकदम बिल्कुल जो है आप शांत हो जाता है और शांत हो करके आपके उस वंशिका धनिका श्रवण करते रहते हैं एकदम आकृष्ट हो जाते हैं संभ्रमेणो आदरेण वलिताभिर युक्ताभिर युवती भीर दत्त चुंबन है अर्थात श्री भगवान ब्रज के जो गोपियां हैं वो आपके वदनारबंद में सादर में चुम्बन प्रदान कर रहे हैं और आप गोपियों के साथ में विराजमान होकर के इस वृंदावन में नाना प्रकार के विलास कर रहे हैं ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हे गोविंद आप मेरे हृदय कमल में विराजमान हो जाइए कि सतत आपकी ही दिव्य का दर्शन में करूँ मेरा मन में आपको छोड़ के और किसी भी वस्तु का दर्शन ना हो गोविंद सदा सदा आप ही मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए इस प्रकार से जो है प्रार्थना कर रहे हैं तो आज समय भी हो चुके हैं आज यही है पे विश्राम देते हैं प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे गौर शीतान प्रेमानंद हरि हरि श्री युगल सरकार की जय श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय श्री वृंदावन धाम की जय में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय नवद्वीप धाम की जय श्री धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय श्रीवन महाप्रभु की जय श्रीवन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की, की जय गंगा मैया की जय श्री गिरिराज गोवर्धन की जय श्री यमुना मैया की जय श्री भागवत निवास की जय प्र श्री रूप गोस्वामी पाद की जय श्री जीव गोस्वामी पाद की जय श्री बलदेव दबण पाद की जय श्री माला की जय श्री गोविंद वृद्वली की जय श्री पंडित बाबा की जय श्री कृपा बाबा जी महाराज की जय श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय राम श्री राम बाबाजी महाराज की जय श्री बिहारी भगवन की जय की हरि कथा की जय हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त बृंद की जय आपन गुरु गोविंद की जय बोलो जय जय श्री राधे श्याम नि गौर शीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि भो